Good evening, one more time. Yes, we are with Talent Hunt and presented by Mana TV. It is such a platform where all the budding artists are coming and showing their talent, and they are performing for this whole half hour to entertain all of us. And this evening we have such privilege to honor Mallika Karkera, who came from Philadelphia. So let's welcome Mallika. Mallika, namaskar. नमस्ते रागिनी जी, आप कैसे हो बताओ? मैं बहुत बढ़िया हूँ. आप तो बढ़िया हो, आपकी हंसी देख के लग रहा है कि आप बहुत खुश हो. बहुत खुश हूँ. अच्छा, मैं बहुत पसंद करती हूँ मना टीवी प्रोग्राम. ओके, और आपका ये टैलेंट हंट शो बहुत अच्छा चल रहा है, सब लोग पसंद कर रहे हैं. अच्छा, इसलिए मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे इधर आने को चांस मिला. एब्सोल्युटली, और आप इतने दूर से आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तो मैं कहना चाहूँगी. और साथ में आज एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आप कुछ डिवोशनल सॉन्ग के साथ आप शुरू करने जा रहे हो. यस, तो हम लोग शुरू करते हैं, उसके बाद और भी बातें करेंगे. So, do you really like to sing bhajans, all the devotional songs? Yeah, मैं बहुत पहले भजन ही करती थी. अच्छा. Actually, movie song में interest ही नहीं था, हमारा group था. Okay. India में जब शादी से पहले.
अच्छा। हम भजन मंदिर में सब भजन गाते थे। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है सिंगिंग। अच्छा, तो और एक भजन हो जाए। ओके प्लीज। कब से आपने सोचा कि मुझे म्यूजिक पसंद है? और आपकी उम्र तब, लाइक हाउ वाज योर एज? बचपन से ही मुझे म्यूजिक बहुत शौक था। जब 5 साल थी तभी मुझे वर्ड्स नहीं आता था, लेकिन गुनगुनाते रहती थी। लेकिन म्यूजिक के बारे में बढ़ते बढ़ते बहुत शौक होने लगा। मैं 5th ग्रेड से कॉम्पिटिशन पुरंदर दासर कीर्तनम ऐसा स्कूल में पार्टिसिपेट करती थी। बाद में उसमें 1st प्राइज ऐसा मिलने और इच्छाएँ बढ़ते गए। बाद में मैं म्यूजिक क्लास ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन घर का सिचुएशन ठीक नहीं था, इसलिए मैं इंडिया में सीखी नहीं। शादी होकर इधर आने के बाद
म्यूजिक क्लास ज्वाइन करी। अच्छा, तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपके आपके जो गुरु हैं उनके उनके आप थोड़ा नाम लो। मेरा गुरु जी का नाम है पूजनीय विजय राजकोटे मैडम। उनसे मैं बहुत सीखी, लेकिन हमेशा वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मतलब बच्चों को सब इतना अच्छा प्यार से सिखाते हैं, वो कभी हमको सपोर्ट करते हैं। मतलब उनके उनके थ्रू मैं इधर थोड़ा बहुत गाना गा रही हूँ, उनके वजह से मैं इधर इतना पहुँच इतना आगे बढ़ रही हूँ, तो गुरु जी का ही कृपा है। ऑफ कोर्स इट इज़ टोटली, एंड आई रियली बिलीव इन इट कि वट एवर यू डू, योर टीचर, योर गुरु इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। आपकी वॉइस इतनी मीठी है, और ये जो आपने अभी अभी जो प्राइज़ आपने विन किया फ्रॉम फिलाडेल्फिया, एंड वी आर रियली प्राउड टू से दैट शी जस्ट वॉन द फर्स्ट रनर अप अवार्ड फ्रॉम द जी टी वी 3 आईकॉन, एम आई राइट? यस। अच्छा, तो थोड़ा वो जो एक्सपीरियंस था ये सब में जाना, लाइक वोटिंग, तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें, तो हाउ वाज इट, आपको आपको कैसे लगा वहाँ जाके? मुझे मेरा म्यूज़िक जर्नी में बहुत सपोर्टिव रहे थे सरोज जी स्टार्टिंग, मतलब मैं नाटा आइडल में फर्स्ट पार्टिसिपेट किया था तेलुगु एसोसिएशन का नाटा आइडल कंपटीशन में, तभी मैंने को चांस दिलाया था सरोज जी। मुझे बिल्कुल तेलुगु लैंग्वेज ही पता नहीं था, फिर भी तू गा सकती, सपोर्टिव सपोर्ट करके मुझे लेके गए, और मैं सेकेंड राउंड तक गई। बाद में आगे जाने के लिए मुझे एक्चुअली लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी था, आगे बढ़ नहीं पाई, फिर भी मैं छोड़ी नहीं म्यूज़िक। मतलब घर में एनी टाइम मुझे टाइम मिलेगा, मैं म्यूज़िक प्रैक्टिस करते रहती हूँ। और 3i का बारे में मेरे एक दो फ्रेंड ने बताई, उसके लिए अप्लाई किया, तो फर्स्ट में सेलेक्ट हुई, तो बहुत खुश हुई। बाद में मेरे को एज ए मेंटर आप ही आपके थ्रू ही मैं आगे बढ़ रही हूँ आपका सजेशन के। नहीं नहीं, वो तो मैं हमेशा दूंगी, क्योंकि जो तुम्हारी जो आवाज़ है उतनी मीठी है, और मैं चाहती हूँ कि वो सारे लोगों तक पहुँचे, और इसलिए मैं आज आपको स्पेशल इनवाइट किया कि आप हमारे ये स्पेशल एपिसोड में आओ, हमारे साथ बैठो, क्योंकि हम लोग दिवाली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। दिवाली के टाइम में मैं चाहती हूँ कि आप सब एक साथ होके इनके लिए वोट करें, नहीं सिर्फ आइकॉन के लिए, नहीं ऐसे ही इनको डिफरेंट जगह पे चांस मिले, और ये अपने जो हुनर है, कलाकारी है, उनके जो भी क्षमता है उसके वो प्रदर्शन करें, दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो मल्लिका, आप ये बताओ कि अगला सॉन्ग कौन, आई मीन क्या इससे है? इससे पहले मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ, मेरा हस्बैंड बहुत सपोर्ट किया है मेरे को, हर जगह लेके जाते हैं सिंगिंग, कहीं भी कॉम्पिटिशन रहे, कहीं भी मैं जाना चाहती हूँ मुझे लेके जाए। अरे वो तो एकदम सच है कि घर से जो सपोर्ट मिले उससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। तो ऑफ कोर्स यस, योर हस्बैंड इज देयर, एंड ऑफ कोर्स सरोजा जी इज देयर। सरोजा जी के नाम तो मैं बहुत सुन चुकी हूँ, एंड शी इज सच फेमस फॉर हर गुड डीड्स, उसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। उनके नाम लेते ही मैं एक ही चीज़ सोच सकती हूँ कि उनके जो काम है और काम की जो धारा है उनमें अगर मैं एक भी चीज़ कर पाऊँ, तो मैं सोचूंगी कि मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ। सही, बहुत बहुत अच्छी लेडी है, सबको हेल्प करते हैं, सबका भला ही चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज आजकल बहुत, मतलब इतने लोग लेडीजों का प्रॉब्लम में वो सपोर्ट, मतलब आगे बढ़ने के लिए जो भी करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपका अगला चॉइस जो है वो क्या है, वो थोड़ा हमें बताएं। मैं नेक्स्ट सॉन्ग आपकी नजरों ने समझा। आपकी नजरों ने समझा, क्या बात है। लता जी इज योर फेवरेट? यस, ओके। लता जी, चित्रा जी, यशोदास जी और जगजीत सिंह जी का सॉन्ग बहुत पसंद है मेरे को। अच्छा, गजल सब। तो अभी अभी तो आपकी तरफ से तो क्या प्रस्तुति है वो बताओ। मैं आपकी नजरों ने समझा बिल्कुल सॉन्ग गाना चाहती हूँ।
It was a really great composition by Madan Mohan ji and as well as our favorite Lata Mangeshkar ji. And all this combo, I mean, whatever the selection of the composer and the singer together, I love all of them. और ख़ास तरफ से तो ये गाना तो बहुत ही फेवरेट है सबके और मुझे लगता है कि सभी को बहुत बहुत पसंद भी आ चुके। ये बात मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आपने अभी अभी कहा कि आपको जब भी वक्त मिले आप प्रैक्टिस करते हो और नहीं तो गाना गाते हो, तो मुझे इतना पता है कि आप एक मॉम हो, एक आप एक काम भी करते हो, उसके ऊपर से ये गाना और इतने सीरियस आप लेते हो, इतने डेडिकेशन से आप लेते हो, तो प्रैक्टिस करने का जो टाइम है, जो टाइम मिलना चाहिए, वो सही में आपको मिलता है? नहीं मिलेगा तो भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, मतलब सब काम निपटा के। म्यूज़िक मुझे बहुत गाते रहती हूँ, मूवी से भी ज़्यादा। तो आप हमेशा ही गाते रहिए और हमें सुनाते रहिए। तो अगला जो प्रस्तुति है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और आप हमें बताएं कि आप क्या सोच रही हैं मन ही मन में कि क्या सुनाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं बोले रे पपिहरा गाना। ब्यूटीफुल, यस। सो लेट्स हियर द सॉन्ग फ्रॉम मूवी गुड्डी एंड सॉन्ग बाय वाणी जयराम जी। सो मल्लिका शुरू करते हैं। So if there is any other favorite song of yours that you really want that our viewer can listen, let me know.
लग जा गले ओके दैट्स अनदर वन मदन मोहन जी एज वेल एज लता मंगेशकर कंपोजिशन ऑफ कोर्स इज व्हाई नॉट लेट्स जस्ट गेट रेडी विद लग जा गले. वो सारे वेट कर रहे होंगे अभी फिली में और आई थिंक दैट न्यूजर्सी में भी आई मीन यू विल हैव योर फैन फॉलोअर्स फ्रॉम नाउ ऑन बिकॉज यू हैव सच अ ब्यूटिफुल वॉइस. थैंक यू सो मच. लग जा गले की फिर हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले की फिर सीरात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले and your favorite choices are always like with Lata ji and Madan Mohan, but the song you have sung for the 3i competition, I really want you to sing that song a little bit, maybe very first few lines. Can you do that? Oh,
you got selected for the first runner-up from Philadelphia, and it was a great, great, great event for you, and I hope that you do more of these things, a lot more. But right now we're at the end of our show, and I really want to ask you that what do you want to tell or what do you want to say to our viewers of Manna TV? Manna TV, CEO Sridhar ji ko bahut bahut shukriya. Hamare desh se bahut sare talent ko aage badha rahe is show ke zariye, aur koi bhi aisa chance nahi dete hai is duniya mein. Aajkal sab log apne bare mein sochne mein busy rehte ho, to dusron ke bare mein sochne wale koi nahi rehte, lekin ye Manna TV और टीवी 5 टैलेंट हंट शो बहुत लोगों को चांस दिला के आगे बढ़ा रहा है, और मेरे को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सबको, मतलब इस टीम में जो भी शामिल है, सचिन सिम्हा, आप जो रागिनी जी, आप जैसा एंकर मैं नहीं देखी अभी तक, क्योंकि बहुत टैलेंट को ढूंढ ढूंढ के ला रहे हो आप इस शो में. बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ. मल्लिका, वी आर वेरी मच लाइक ऑनर्ड कि आप आए, और आप जैसे बहुत सारे लोगों के लिए मेरा सिर्फ यही कहना है, यहाँ आने के लिए ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ टैलेंट हंट एट मना टी वी डॉट नेट, दैट ऑल यू हैव टू डू. यू हैव टू सेंड अस अ स्मॉल क्लिपिंग्स, और उसके साथ ही हम लोग पहुँच जाएंगे आपके पास, आपको ले आने के लिए यहीं पर. येस ऑफकोर्स, यू जस्ट हैव टू सेंड इट टू टैलेंट हंट TALENTHUNT@MANATV.net, of course. So I will be waiting for that, and in the meantime we have to go, and we will be back another new face next week. Do not forget to watch Talent Hunt only on Manna TV. Namaskar.